हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। ये बहुत टेस्टी बनता है एंड इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट जाता है जिसको आप ऐड करोगे तो पालक पनीर हमेशा बैंग ऑन बनेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पालक को ब्लांच कर लेंगे, जिसके लिए मैंने बॉइलिंग वाटर लिया है। उसके अंदर पालक डाल देंगे और इसको 2 से 3 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं ब्लांच करना है, बिकॉज इट विल लूज इट्स कलर। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, पालक अच्छे से ब्लांच हो चुके हैं। अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के साइड पे रख देंगे। अभी इसको हमने ग्राइंड नहीं करना है। ओके, तो पालक पनीर के मसाले के लिए मैंने यहाँ पे स्लाइस्ड अनियन ले लिया है, ग्रीन चिलीज लिए हैं, टमेटोज लिए हैं, गार्लिक लिया है और जिंजर लिया है। आपको इनको फाइनली चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली हम इसको ग्राइंड ही कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है और इसमें एक एक करके ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम फ्राई कर लेंगे। तो अनियंस फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे जिंजर और गार्लिक। इसके बाद हम डाल देंगे टमेटोज। टमेटोज जैसे आप डालोगे साथ में ग्रीन चिलीज और सॉल्ट ऐड करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे टमेटोज बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। ओके, तो मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, ऑयल निकल गया है इसका। इसके बाद हम इसे सेम मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे जिसमें हमने पालक को डाला था। इससे टाइम भी कंज्यूम कम होता है और ये बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे स्मूथ पेस्ट में। ये देखिए, इसमें कोई भी लम्ब्स या मसाला का कोई भी चंक नहीं होना चाहिए। आप इसको अच्छे से स्मूथ ग्राइंड कीजिएगा। अब उसी पैन में हम बटर ऐड कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सारा फ्लेवर तो इसी पैन में था मसाले का। तो इसमें हमने बटर ऐड कर दिया है। अब इसी के साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इसको करीबन 30-40 सेकेंड्स के लिए सॉटे कर लेंगे। जैसे ही इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, उसके बाद हम इसमें हमारा प्रिपेयर्ड मसाला और स्पिनिच प्यूरे ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से स्टर करने के बाद हम जो ग्राइंडर था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के बाकी का रेजिड्यू भी इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से स्टर कर लेंगे। चलो, अब बारी है ड्राई स्पाइसेस की। तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून ईच ऑफ रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, ब्लैक पेपर पाउडर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और गरम मसाला एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट। इस टाइम पे आप थोड़ा सा चख लीजिए इसको और देख लीजिए सॉल्ट आपको कितना रिक्वायर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग आप ऐड कर लीजिए। अब इसमें हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट जाएगा, विच इज़ क्रीम। क्रीम इस ग्रेवी को बहुत रिच और क्रीमी टेक्सचर देता है। इसी के साथ हमने मलाई पनीर भी ऐड कर दिया है। ट्राई कीजिएगा कि रेगुलर पनीर की जगह आप मलाई पनीर यूज़ करें, उससे क्या होगा टेक्सचर एंड फ्लेवर दोनों बहुत अच्छे आते हैं। तो बस अब हम इसको ढक के 10 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे एंड जब इसका ऑयल ऊज आउट हो जाए मतलब ये डन है। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेंगे। ओके, तो हमारा डिलीशियस पालक पनीर बनके तैयार हो गया है। फॉर फाइनल गार्निश आई एम एडिंग फ्रेश क्रीम ऊपर से थोड़ा सा और इसी के साथ हम चिली ऑयल भी डाल देंगे, विच इज़ बेसिकली ऑयल फ्राइड विद रेड चिली पाउडर। ये बहुत अच्छा कलर ऐड कर देता है इस पालक पनीर में। उसी के साथ मैं ऐड कर दूंगी थोड़े से जिंजर जूलियंस फॉर गार्निश एंड हियर वी गो। तो हमारा डिलीशियस पालक पनीर बनके एकदम तैयार हो चुका है। तो इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी, do hit the like button, do not forget to share it with your family and friends, and do subscribe to my channel. I'll see you guys in the next video.